प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल्स की परिभाषा देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून अभिकर्मक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट्स होते हैं। और ये रिएजेंट्स ऐसे सेंटर पर अटैक करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कई प्रकार के होते हैं। इसमें हम पहले प्रकार के जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो होते हैं, यानी एग्जाम्पल्स सभी कैटायंस, जितने भी धनायंस होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं, जैसे सिल्वर आयन, क्यूप्रिक आयन, मर्क्यूरिक आयन, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, कार्बोकेटाइन आदि। तो जो पहले प्रकार के एग्जाम्पल उसमें देखा कि जितने भी धनायन होते हैं सभी धनायन इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ चार पांच एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे सिल्वर आयन है, क्यूप्रिक आयन है, मर्क्यूरिक आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, और जो कार्बो कैटाइन्स होते हैं, वन डिग्री हो, टू डिग्री हो, थ्री डिग्री हो, वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं। तो सभी धनायन्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल हैं वो ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु जैसे BF3, BnCl3, FeCl3, SnCl2, BaCl2 आदि। तो दूसरे प्रकार के एग्जांपल में देखा कि ऐसे उदासीन अणु जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं। तीसरे प्रकार के एग्जांपल देखें तो ऐसे उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं, यानी वैकेंट डी
और वाइटल्स युक्त उदासीन अणु जैसे PCl5, SF6, SNCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आदि। तो तीसरा प्रकार के जो मैं एग्जांपल लिए हैं वो है वैलेंट डी ऑर्बिटल वाले उदासीन अणु, यानी ऐसे उदासीन अणु जिनमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करते हैं। चौथे प्रकार का जो एग्जांपल है वो है बहुबंध युक्त अकार्बनिक अणु भी इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करते हैं। बहुबंध युक्त अकार्बनिक अणु जैसे यानी मल्टीपल बॉन्ड युक्त जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे CO2 है, SO2 है, SO3 है, NO2 है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं। पांचवें प्रकार के जो एग्जांपल है वो है कार्बनिक फ्री रेडिकल्स, ऑर्गेनिक रेडिकल्स। जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु का हस्तक्षेप पूर्ण नहीं होता है। यानी जैसे हम इस कार्बन एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2, 4, 6, 7, यानी जो कार्बन फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्बन एटम होता है उस कार्बन एटम के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अतः यहाँ कार्बन परमाणु का जो अष्टक है वो इनकम्प्लीट होता है, अतः इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नेचर होती है। अतः जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं। तो दोबारा देखिए, हमने सबसे पहले ये देखा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। और ये रिएजेंट्स ऐसे सेंटर पर अटैक करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स के विभिन्न प्रकार के एग्जांपल देखे, सबसे पहले सभी कैटायंस, उसके बाद में अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, तीसरे प्रकार के एग्जांपल में देखे वैलेंट डी ऑर्बिटल युक्त उदासीन अणु, चौथे प्रकार के एग्जांपल में बहुबंध युक्त अकार्बनिक अणु, और फिर ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स। ये जो पांच प्रकार के हमने एग्जांपल देखे हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स का कार्य करते हैं, क्योंकि इन सभी के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ये सभी इलेक्ट्रॉन लवर का कार्य करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद में न्यूक्लियोफाइल्स लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियस से स्नेह करने वाले। न्यूक्लियस से स्नेह कौन करते हैं? कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस धन आवेशित होता है, और धन आवेशित से स्नेह वो करता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है। तो हम न्यूक्लियोफाइल्स की परिभाषा देखना चाहें तो न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होता है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये रिएजेंट्स ऐसे सेंटर पर अटैक करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी वे सेंटर जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उन सेंटरों पर ये अटैक करते हैं। यानी कहने का ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, और ये ऐसे सेंटर पर अटैक करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं। यानी ऐसे रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन पुअर यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। अब हम न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला प्रकार लेते हैं एग्जांपल्स नंबर एक, सभी एनाइंस जितने भी एनाइंस होते हैं यानी जितने भी ऋणायन होते हैं वो सभी न्यूक्लियोफाइल्स का कार्य करते हैं, क्योंकि एनाइंस के पास में ऋणायनों के पास में इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होता है, और ये ऐसे सेंटर पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जो सेंटर इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन सेंटर पर अटैक करने की उनमें प्रवृत्ति होती है। तो सभी एनाइंस यानी सभी ऋणायंस जैसे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, इसके अलावा जो कार्बन एनाइन होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल्स का ही कार्य करते हैं, कार्बन एनाइन, क्योंकि कार्बन एनाइन में जो ऋण आवेश कार्बन परमाणु होता है उसके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, और कार्बन के पास में एक लोन पेयर यानी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अतः जो कार्बन एनाइंस होते हैं जो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, न्यूक्लियोफाइल का कार्य करते हैं। पहले प्रकार में जो उदाहरण लिए सभी एनाइंस न्यूक्लियोफाइल्स का कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार के एग्जांपल है लॉन पेयर हैविंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे उदासीन अणु जिनमें सेंट्रल एटम के पास एक या एक से अधिक लॉन पेयर हो वो भी न्यूक्लियोफाइल्स का कार्य करते हैं। लॉन पेयर हैविंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O जल में जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लॉन पेयर होते हैं, अमोनिया वन डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और एल्कोहल्स, ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें
केंद्रीय परमाणु के पास लोन पे होते हैं, अतः ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन पुअर यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने की प्रवृत्ति करते हैं। तीसरे प्रकार के जो उदाहरण हम लेते हैं वो है मल्टीपल बॉन्ड युक्त ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बहुबंध युक्त ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे एथीन, एथाइन, बेंजीन आदि, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स का कार्य करते हैं। तो यहां हमने पहले ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, तथा ये रिएजेंट्स इलेक्ट्रॉन पुअर यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करते हैं। इसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल्स के तीन तरह के एग्जाम्पल देखे, जिसमें पहला था सभी ऋणायन, फिर दूसरा एग्जाम्पल था, दूसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल था वो था लोन पेयर युक्त उदासीन अणु, तीसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल था वो था मल्टीपल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन। ये तीन प्रकार के हमने एग्जाम्पल देखे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः ये तीनों प्रकार के कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल्स का कार्य करते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा, हमने इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल देखे। थैंक यू।